कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में फैला। बाद में चीन ने दावा किया कि यह जंगली जीवों के मार्केट के से इंसानों में आया है। फिर पता चला कि ये ऐसे वायरस चमगादड़ में पाए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये चमगादड़ से इंसानों में आया है। इसके बाद चीन के एक लैब पर गंभीर सवाल उठने लगे। वजह यह थी कि यह लैब वुहान के जंगली जीवों के मार्केट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लैब आलीशान है और इस तरह के वायरस पर रिसर्च करने के लिए चीन की सबसे बड़ी लैब भी है। अब इस संदिग्ध लैब के अमेरिकी कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कुछ दस्तावेजों से ये जानकारी मिली है कि अमेरिकी सरकार ने वायरस पर प्रयोग करने वाले वुहान लैब को 28 करोड़ रुपए दिए हैं। ये रुपए बीते कई सालों के दौरान दिए गए हैं। इस खुलासे के बाद अमेरिका के कई नेता भी हैरान रह गए। कुछ लोग चीन पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि चमगादड़ पर प्रयोग के दौरान कोरोना वायरस लीक हो गया हो और बाद में चीन ने इसे जीवों के मार्केट से फैला वायरस कहा हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की इमरजेंसी कमेटी कोबरा के सदस्य ने भी लैब से वायरस फैलने की थ्योरी का भरोसेमंद कहा था। अमेरिकी नेताओं ने अपने देश की ओर से चीनी लैब को फंड दिए जाने पर कड़ा एतराज जताया है। कुछ अमेरिकी नेताओं का कहना है कि जानवरों पर किए जाने वाले खतरनाक और हिंसक प्रयोग के लिए ये फंड दिए गए हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ओर से वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट को 28 करोड़ रुपए दिए गए। अमेरिकी सांसद मैट गेट्स ने कहा, शायद दुनिया भर में कोरोना फैलने में जिस चीनी लैब का योगदान है उसे अमेरिकी फंड दिए जाने की खबर से मैं बहुत खराब महसूस कर रहा हूं। शनिवार को अमेरिका के व्हाइट कोट वेस्ट नाम के समूह के अध्यक्ष एंथनी बिलोटी ने भी चीन को अमेरिकी मदद दिए जाने की निंदा की थी। एंथनी ने कहा था, हो सकता है कि चीनी लैब में वायरस से संक्रमित किए गए जीव या किसी और तरीके से बीमार और प्रताड़ित किए गए जीवों पर प्रयोग पूरा होने के बाद उन्हें जंगली जीवों के मार्केट में बेच दिया गया हो। कुछ दिनों पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की इमरजेंसी कमेटी कोबरा के एक सदस्य ने कहा था कि साइंटिफिक तौर से अब भी इस बात ने वजन है कि खतरनाक वायरस वुहान स्थित जानवरों की मार्केट से इंसानों में पहुँचा, लेकिन वायरस के नेचर को देखते हुए विश्वास करना वैकल्पिक थ्योरी है। मुमकिन है कि वुहान में उसे लैब का होना संयोग ना हो, इसे खारिज नहीं किया जा रहा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।